नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 जुलाई, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आठ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बोरवेल में से बाहर आया 4 साल का शिवम। सूखे और बाढ़ से बिहार के किसानों को अब मिलेगा राहत। चुनाव से पहले घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे BLO। 11 महीने के बिना आंख वाले बच्चे के लिए मसीहा बने सोनू सूद। मुकेश कुमार के प्रदर्शन पर टीम इंडिया के बॉलिंग कोच ने की तारीफ। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सब इंस्पेक्टर पद पर निकली 1800 से ज्यादा वैकेंसी। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1876 रिक्त पद भरे जाएंगे। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समकक्ष होनी चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप जारी किए गए नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बोरवेल में से बाहर आया 4 साल का शिवम। बीते दिन सुबह नालंदा में एक 4 साल का बच्चा 40 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था, जिसके बाद NDRF और SDRF की टीम के द्वारा कड़ी मशक्कत करते हुए उस बच्चे को 8 घंटे बाद बोरवेल से बाहर निकालने में सफलता पाई गई। वहीं बच्चे के बोरवेल के बाहर निकलने के बाद उसके माता पिता और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नगर पंचायत नालंदा के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि नलीन मौर्य द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग किया गया। उन्होंने बताया कि यह बोरवेल यहां के किसानों के द्वारा बोरिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन यहां बोरिंग नहीं लग पाया तो वह दूसरी जगह बोरिंग लगाने में जुट गए और संजोग से इस बोरवेल को बंद करना भूल गए, जिसकी वजह से यह बड़ी घटना घट गई। बता दें कि बच्चे को बोरवेल से निकाले जाने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे अहिल्या स्थान के बारे में। अहिल्या स्थान दरभंगा जिला सदर अनुमंडल के अंतर्गत अहियारी गांव है, जो अहिल्या स्थान के नाम से विख्यात है। यह स्थान सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पूर्व में स्थित है। कमतौल रेलवे स्टेशन से उतरकर यहां पहुंचा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार लोगों का मानना है कि जिस प्रकार गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार जनकपुर जाने के क्रम में त्रेता युग में राम जी ने ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा से अपने चरण से किया था और उनके स्पर्श से पत्थर बनी अहिल्या में जान आ गई थी, उसी तरह जिस व्यक्ति के शरीर में अहिल्या होता है वे रामनवमी के दिन गौतम और अहिल्या स्थान कुंड में स्नान कर अपने कंधे पर बैगन का भार लेकर मंदिर आते हैं और बैगन का भार चढ़ाते हैं तो उन्हें अहिल्या रोग से मुक्ति मिलती है। अहिल्या इंसान के शरीर के किसी भी बाहरी हिस्से में हो जाता है, जो देखने में मस्सी जैसा लगता है। आमतौर पर पुरुष पुजारी ही मंदिरों में पूजा करते हैं, पर यहां महिला पुजारी लोगों को पूजा करवाती है। यहां से नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने को आते हैं। सूखे और बाढ़ से बिहार के किसानों को अब मिलेगा राहत। बिहार में किसानों को हर साल सूखा और बाढ़ दोनों ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब सरकार इससे निपटने के लिए एक नई योजना बनाने की तैयारी में है, जहां 5 चैनलों से गंगा, बागमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, छारी, नून और दाहा को जोड़ा आपस में जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 900 किलोमीटर लंबे लिंक चैनल की खुदाई की जाएगी, ताकि इन चैनलों को जोड़ा जा सके। यदि ये नदी आपस में जुड़ जाती हैं तो सालों भर 7 लाख हेक्टेयर खेतों तक की सिंचाई आसानी से हो पाएगी। बता दें कि इसका फायदा बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, गोपालगंज, सारण समेत बिहार के 20 जिलों को मिलने वाला है। वहीं पूरे देश की बात करें तो लगभग 37 नदियों को जोड़ने की योजना बनाई गई है, जहां 20,000 किलोमीटर नहर की खुदाई की जाएगी। बीएड के साथ इन पाठ्यक्रमों के लिए भी दिए जाएंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन। 1.5 लाख रुपए तक का लोन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बीएड करने के लिए दिए जाएंगे। बता दें कि बीएड के अलावे अन्य पाठ्यक्रमों के लिए भी राशि की सीमा तय की जाएगी। फिर आगे लोन के लिए आवेदन सभी नए पाठ्यक्रमों के लिए इसी महीने से लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग इसके लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रहा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन देने के लिए 33 पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया, जिनमें ITI, पॉलिटेक्निक, फैशन डिजाइनिंग आदि भी मौजूद है। 41 पाठ्यक्रमों को पहले से ही लोन दिए जा रहे हैं। विभाग द्वारा यह जानकारी दी गई है कि चल रहा यह काम 1 सप्ताह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। मालूम हो कि इस योजना के तहत जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें राज्य सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है।
बिहार में जमीन अधिग्रहण के तुरंत बाद होगा दाखिल खारिज। बिहार में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नाम से अब एनएच निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के तुरंत बाद जमीन की दाखिल खारिज करवानी पड़ेगी। बता दें कि राज्य में मंत्रालय और उससे संबंधित एजेंसी के अधिकारियों यह निर्देश दिए गए हैं ताकि जमीन मालिकों के वंशजों द्वारा दोबारा मुआवजा लेने के फर्जीवाड़े को रोका जा सके। साथ ही साथ जो दावा अधिग्रहित जमीन के मालिकाना पर पुराने रैयत और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता था अब नहीं किया जा सकेगा। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक इस तरह के अधिग्रहित जमीन की दाखिल खारिज प्रक्रिया फिलहाल जटिल है। यही वजह है कि अधिग्रहण के बाद नए दाखिल खारिज करवाने में काफी समय लग जाता है और ऐसे में बहुत से ऐसे जमीन रह जाते हैं जिनका नया दाखिल खारिज नहीं होने के कारण वे जमीन पुराने रैयत के नाम ही रह जाते थे, जिस वजह से कुछ सालों बाद सरकार को दोबारा मुआवजा देना पड़ जाता था। बाढ़ आने से पहले बरते ये आवश्यक सावधानियां। बिहार में मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में बारिश की वजह से राज्य की कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई है, जिससे कि लोगों के मन में बाढ़ की आशंका आ गई है। ऐसे में बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि बाढ़ आने से पहले किन आवश्यक सावधानियों को बरतना जरूरी होता है, जिसके तहत सबसे पहले अफवाहों पर ध्यान न दें, शांत रहें और घबराएं नहीं। आपातकालीन संपर्क के लिए मोबाइल फोन हमेशा चार्ज रखें या SMS का प्रयोग करें। रेडियो, TV, समाचार पत्र के माध्यम से मौसम की ताजा जानकारी लेते रहें। मवेशी और पालतू जानवरों की सुरक्षा के लिए उन्हें बांध कर न रखें। इसके अलावा महत्वपूर्ण कागजात और अन्य कीमती चीजें वाटरप्रूफ थैले में रखें। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से यह भी जानकारी दी गई है कि किसी भी आपातकालीन सेवा के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम स्थित हेल्पलाइन नंबर 0612229402 या 707029017 पर संपर्क कर सकते हैं। मुकेश कुमार के प्रदर्शन पर टीम इंडिया के बॉलिंग कोच ने की तारीफ। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया के लिए अपना डेब्यू करने वाले बिहार के मुकेश कुमार ने अपना पहला विकेट अपने नाम किया। वहीं अब भारतीय टीम के बॉलिंग कोच पारस महाम्बड़े मुकेश कुमार की बॉलिंग से काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुकेश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, मैं उनकी प्रोग्रेस से काफी प्रसन्न हूं। उन्होंने पहली गेंद सही पहले सेशन में शानदार प्रदर्शन किया। मुकेश ने परिस्थितियों को देखते हुए गेंदबाजी की और अच्छा प्रदर्शन किया। टीम मैनेजमेंट भी उनसे यही अपेक्षा कर रहा था कि वह अपना बस प्रदर्शन करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुकेश कुमार ने अपना इंटरनेशनल विकेट क्रिक मैकेंजी के रूप में लिया। 11 महीने के बिना आंख वाले बच्चे के लिए मसीहा बने सोनू सूद। 11 महीने का गुलशन, जो कि नवादा के गोगन पंचायत का रहने वाला है, उसके लिए सोनू सूद एक मसीहा बनकर सामने आए। दरअसल गुलशन एक ऐसा बच्चा है जिसकी आंखें नहीं है। जन्म से ही गुलशन की दोनों आंखें नहीं है। इसके पिता एक रिक्शा चालक है जो पैसे के अभाव में अपने बच्चे का इलाज किसी अच्छी जगह पर नहीं करवा पाए। सोशल मीडिया पर किसी ने इस बच्चे का वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया। वीडियो पर सोनू सूद की नजर भी पड़ी। फिर क्या था, सोनू सूद ने बिना देर किए बच्चे के इलाज की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, चल बेटा गुलशन, इलाज का समय हो गया है, अब अपनी आंखों से इलाज का सपना देख। बता दें कि जब से इस बात की जानकारी गुलशन के परिवार को मिली है कि अब उसके बच्चे का इलाज सोनू सूद करवाएंगे, तब से उस परिवार के लिए सोनू सूद मसीहा बन गए हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे श्रीराम झा के बारे में। श्री राम झा का जन्म 18 जुलाई 1976 को बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था। यह एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर है। उन्होंने FIDE विश्व कप 2009 में भाग लिया, जिसके लिए उन्होंने उसी वर्ष की शुरुआत में एशियाई जोन 3.2 शतरंज चैंपियनशिप जीतकर क्वालिफाई किया। श्री राम झा ने 2003 में एशियाई टीम शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की सी टीम के लिए खेला। उन्होंने 1997 में विश्व U26 टीम शतरंज चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2014 में उन्होंने रैपिड शतरंज की भारतीय चैंपियनशिप जीती। उनका विवाह भारतीय शतरंज अंतर्राष्ट्रीय मास्टर सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी से हुआ है। इन्हें सबसे लोकप्रिय शतरंज खिलाड़ी की सूची में स्थान दिया गया। इसके साथ ही इन्हें भारत में जन्मे प्रसिद्ध लोगों की विशिष्ट सूची में भी स्थान दिया गया है। पटना में धरना देने वाले शिक्षकों के ऊपर चला KK पाठक का डंडा। बीते 11 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना में धरना प्रदर्शन में शामिल हुए शिक्षकों के खिलाफ बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि कुछ दिनों पहले फोटो और वीडियो की मदद से विभाग के द्वारा 16 शिक्षकों को नोटिस भेज स्पष्टीकरण मांगा गया था और कहा गया था कि अगर उनका स्पष्टीकरण संतुष्टि पहुंचाने वाला नहीं होता है तो उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। वहीं अब विभाग के द्वारा धरना में शामिल सिवान के 7 शिक्षकों की पहचान कर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा धरना प्रदर्शन से पहले ही शिक्षकों को चेताया गया था और कहा गया था कि अगर वह ड्यूटी छोड़कर धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे शिक्षक रहे जिन्होंने धरना प्रदर्शन में भाग लिया।
नेपाल रक्सौल बॉर्डर पर अवैध तरीके से प्रवेश की कोशिश में पकड़े गए चीनी नागरिक। दो विदेशी नागरिक नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहे थे, इस दौरान उन्हें पकड़ लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार ये विदेशी नागरिक चीन के हैं, जो बिना वीजा के नेपाल के रास्ते बिहार के जरिए देश में आने की कोशिश कर रहे थे, जो बिहार के पूर्वी चंपारण में रक्सौल नेपाल बॉर्डर पर पकड़े गए। हालांकि ये अवैध तरीके से देश में क्यों प्रवेश चाह रहे थे, इसे लेकर पूछताछ जारी है। इन्हें इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया गया था। मामलों को लेकर FIR दर्ज की जा चुकी है, साथ ही आगे की कार्यवाही चल रही। गौरतलब है कि इन दिनों नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से विदेशी भारत में घुसने की कोशिश कर रहे। अभी तक कई ऐसे मामले देखे जा चुके हैं। हाल ही में सीमा हैदर भी अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते अपने कथित प्रेमी से मिलने भारत आई थी, जो मामला काफी चर्चा में बना रहा। ऐसे में देश विरोधी शक्तियों के लिए अवैध तरीके से भारत में प्रवेश लेना आसान बनता जा रहा, जो सुरक्षा की नज़र से काफी खतरनाक है। चुनाव से पहले घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे BLO। बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO बिहार में मतदाताओं के भौतिक सत्यापन के लिए सबके घर जा जाकर सत्यापन कर रहे हैं। बता दें कि यह निर्देश चुनाव आयोग द्वारा दिया गया है, जहां कहा गया है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के पूर्व मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं को मौके पर सत्यापन कराया जाए। इस चीज की जाँच हो रही है कि जो मतदाता है वे निर्धारित आवासीय पता पर रहते हैं या नहीं। वह किसी मतदाता की मृत्यु हो चुकी है तो उन्हें भी सत्यापन के दौरान अंकित किया जाएगा। यह जानकारी सामने आई है कि 1 जून से 20 जुलाई के बीच सभी कानूनी प्रावधानों और सूचना तकनीक का प्रशिक्षण सभी निर्वाचित पदाधिकारी, उप निर्वाची पदाधिकारी और BLO को दिया गया है। रग्बी खेलने के लिए पूर्णिया के राकेश का इंडिया कैंप में हुआ चयन। राकेश मुर्मू, जो कि बिहार रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप में पूर्णिया के रग्बी टीम के कप्तान थे, उनका चयन इंडिया कैंप में हो चुका है। बता दें कि इस बात की जानकारी रग्बी जिला संघ के सचिव और जिला कोच शुभम आनंद द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा है कि 13 और 14 जून को छत्रपति शिवाजी स्टेडियम बालेवाड़ी महाराष्ट्र में रग्बी राष्ट्रीय चैंपियनशिप खेल का आयोजन किया गया था, जहां पूर्णिया के रग्बी टीम के कप्तान राकेश मुर्मू ने अपने अच्छे प्रदर्शन से चैंपियनशिप जीतकर मेडल पाया और पूर्णिया का नाम रोशन किया। आगे उन्होंने बताया कि पूरे बिहार से इंडिया कैंप के लिए 5 खिलाड़ियों को चुना गया है, जिनमें पूर्णिया सीमांचल से एकमात्र खिलाड़ी पूर्णिया रग्बी टीम के कप्तान राकेश मुर्मू है। बिहार के कुछ भागों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई जिलों में लोगों को भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। वहीं अब IMD बिहार के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कुछ भागों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि IMD बिहार के पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी कि 24 जुलाई को राज्य के उत्तर पश्चिम भारत के जिलों के 1 या 2 स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। वहीं अगर कल यानी कि 25 जुलाई के मौसम की बात करें तो राज्य के उत्तरी भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। हालांकि उसके बाद 26 और 27 जुलाई को लेकर IMD बिहार की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। वंदे भारत ट्रेन में किराया कम होने के नहीं है कोई आसार। यह खबर चर्चा में थी कि पटना रांची वंदे भारत का किराया कम किया जा सकता है। हालांकि अब किराए में कटौती के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बता दें कि देश भर के जोनल रेलवे को शताब्दी वंदे भारत सहित और भी कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के बुकिंग की समीक्षा करने का निर्देश रेलवे बोर्ड की तरफ से दिया गया था, क्योंकि इन ट्रेनों के किराए अधिक है। इस बात शिकायत रेल यात्रियों द्वारा मिली थी। रेलवे के इस निर्देश के बाद यात्रियों को उम्मीद थी कि किराए में कमी की जाएगी। हालांकि टिकट बुकिंग की जो स्थिति है उसे देखकर अब उम्मीद कम हो गई है। वहीं CPRO वीरेंद्र कुमार द्वारा बताया गया कि पटना से रांची जाने और रांची से पटना आने के क्रम में ट्रेन में क्षमता के अनुसार बुकिंग हो रहे हैं। मालूम हो कि वंदे भारत का 27 जून को पटना से रांची के लिए उद्घाटन हो गया था, वहीं नियमित रूप से इसका परिचालन 28 जून से हुआ। सुखाड़ के कारण स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को किया अलर्ट। कम वर्षा के कारण संभावित सुखाड़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। साथ ही कहा गया है कि कम बारिश के कारण होने वाली बीमारियों को लेकर सतर्कता बरते। प्रत्यय अमृत, जो कि विभाग के अपर मुख्य सचिव है, उन्होंने सभी जिला अधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त और सिविल सर्जन को पत्र भेजा है। पत्र में कम बारिश को लेकर चर्चा करते हुए कहा गया है कि कम बारिश के कारण स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए जरूरी है कि पहले से ही प्रभावकारी कदम उठाए जाए ताकि बीमारियों का फैलाव न हो। बता दें कि सुखाड़ के समय जल के दूषित होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए जल स्रोतों की पहचान कर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कर्मियों का सहयोग लेने की बात कही गई है। इस दिन से शुरू होगी मुकेश सहनी की संकल्प यात्रा। 25 जुलाई यानी कि कल से विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस पर 100 दिनों के लिए 3 राज्यों की यात्रा पर निकलेंगे, जिसमें बिहार समेत उत्तर प्रदेश और झारखंड शामिल है। मालूम हो कि इन 100 दिनों में मुकेश सहनी 3 राज्यों के 80 जिलों में पहुंचेंगे। बता दें कि इस यात्रा का नाम निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा दिया गया है। इस यात्रा के दौरान लोगों को निषाद आरक्षण का संकल्प दिलाया जाएगा। यह यात्रा आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ गाँव गाँव घर घर तक पहुंचेगी। मुकेश सहनी के दी गई जानकारी के अनुसार इस यात्रा की शुरुआत बिहार की राजधानी पटना से होगी और 4 नवंबर को संपन्न होगी। मालूम हो कि यह सभी बात उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कही है।
चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस को दी नसीहत। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच हाजीपुर लोकसभा सीट पर दावेदारी को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। बता दें कि बीते शनिवार को ही पशुपति पारस के द्वारा कहा गया था कि वह किसी भी हाल में हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अब उनके इस बयान पर चिराग पासवान के द्वारा उन्हें नसीहत देते हुए स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है कि अगर किसी को कोई परेशानी हो तो वह अपनी बातों को गठबंधन के भीतर रखें, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर हल्ला करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि जब हम किसी गठबंधन में होते हैं तो गठबंधन की कुछ मर्यादा होती है, जिसके तहत जब तक तमाम बातें गठबंधन के भीतर तय न हो जाए तब तक उसके बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ भी बोलना गठबंधन धर्म का उल्लंघन है। गठबंधन में शामिल दल अलग बात विवाद उत्पन्न करे तो यह कहीं से भी ठीक नहीं होगा। हमने जितनी की बातें की हैं वह गठबंधन के भीतर हुई हैं, इसलिए अगर किसी दूसरे की चर्चा करनी है तो वह भी गठबंधन के भीतर की जाए। वहीं चाचा पशुपति पारस के पैर छूने को लेकर उन्होंने कहा कि वे इन सबसे काफी आगे निकल चुके हैं। उनके बारे में पिछले 2-2.5 सालों से कोई टिप्पणी नहीं की है और न अब करूंगा। नीति आयोग की रिपोर्ट पर जेडीयू और बीजेपी में भिड़ंत। एक तरफ जहां बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के द्वारा बिहार में हुई गरीबी दर की कमी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए इस उपलब्धि को मोदी सरकार की उपलब्धि बताया गया है। उन्होंने कहा कि 2014 में एनडीए की सरकार बनने के बाद अगले ही वित्तीय वर्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के विकास में पूरी ताकत लगा दी गई, इसलिए उदार केंद्रीय सहायता और नई नई कल्याणकारी योजनाओं में भारी निवेश से 16% लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकल आए हैं। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट से यह प्रमाणित होता है कि मोदी सरकार के 9 साल में बिहार गरीबी दूर करने में सबसे आगे रहा है। इस उपलब्धि को हासिल करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेवजह अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। गरीबी हटाओ के खोखले नारे से नहीं बल्कि एनडीए सरकार की ठोस नीति और ईमानदार नीयत से यह बदलाव हुआ है। वहीं दूसरी ओर इसके जवाब में वित्त मंत्री विजय चौधरी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया कि यह बहुत आश्चर्य की बात है कि पूरे देश में गरीबी रेखा दूर करने में बिहार सबसे अव्वल स्थान पर रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता इस पर गर्व महसूस नहीं कर रहे। बीजेपी ने बिहार को कौन सी विशेष योजना दी है जिससे बिहार गरीबी दूर करने में सबसे आगे रहा है, या बीजेपी बिहार को बताए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के विरोध में अंधे हो चुके हैं, इसलिए बिहार सरकार को बदनाम करने में भी परहेज नहीं कर रहे। बिहार में गरीबी मिटाने का पूरा श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर चिपकाने के मामले में 3 आरोपित गिरफ्तार। बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बेंगलुरु के सड़कों पर भड़काऊ फ्लेक्स बोर्ड लगाए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस के द्वारा तकनीकी अनुसंधान के बाद शहर से 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान कुमार, मोहन और श्रीराम एम के रूप में की गई है। बता दें कि इस मामले को लेकर बेंगलुरु पुलिस के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि सेसाद्रीपुरम निवासी 30 वर्षीय नंद कुमार के स्वामित्व वाले प्रिंटिंग प्रेस में इन फ्लेक्सों को मुद्रित किया गया था और फिर सेसाद्रीपुरम के ही के मोहन के स्वामित्व वाली मिनी वैन में डालकर इन फ्लेक्स को ले जाया गया और इसे विपक्षी दलों की बैठक के दौरान वहां के आसपास की सड़कों और मुख्य चौराहों पर चिपकाया गया। मालूम हो कि इस मामले को लेकर हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 290 कर्नाटक ओपन प्रेस विरूपण अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान की स्थापना 1932 में की गई। भारत में लोकसभा में 73 विपक्षी सदस्यों ने 1989 में बोफर्स तोप के मुद्दे पर सदन से इस्तीफा दे दिया और जिसे स्वीकार कर लिया गया। तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 को संसद में बजट पेश किया जिसने भारत के लिए आर्थिक उदारीकरण के रास्ते खोल दिए। एस विजयलक्ष्मी 2000 में शतरंज की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी। भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक पन्नालाल घोष का जन्म 24 जुलाई 1911 को हुआ था। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का जन्म 24 जुलाई 1928 को हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता मनोज कुमार का जन्म 1937 को हुआ था। भारत कुमार के नाम से प्रसिद्ध हिंदी चलचित्र निर्माता अभिनेता मनोज कुमार का जन्म 1937 में हुआ। भारतीय उद्योगपति आजम हासिम प्रेमजी का जन्म 1945 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी का जन्म 24 जुलाई 1985 को हुआ था। असम के सामाजिक कार्यकर्ता तरुण राम फूकन का निधन 24 जुलाई 1939 को हुआ था। भारतीय सिनेमा में हिंदी और बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता उत्तम कुमार का निधन 1980 को हुआ था। भारत के मशहूर वैज्ञानिक और शिक्षाविद यशपाल का निधन 2017 में हुआ। आज के दिन को आयकर दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आज हम बात करेंगे द ऑफिशियल एसबीआई के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे द ऑफिशियल एसबीआई के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक नकली संदेश प्रतिरूपण कर रहा है। द ऑफिशियल एसबीआई दावा करता है कि संदिग्ध गतिविधि के कारण प्राप्तकर्ता का खाता अस्थायी रूप से लॉक कर दिया गया है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि अपना बैंकिंग विवरण साझा करने के लिए कहने वाले ईमेल एसएमएस का कभी भी जवाब न दें। ऐसे संदेशों की तुरंत report.phishing@sbi.co.in पर रिपोर्ट करें।
इंस्टाग्राम की तरह टेलीग्राम में आया एक कमाल का फीचर। टेलीग्राम ने कुछ समय पहले इस बात की जानकारी शेयर की थी कि कंपनी स्टोरी फीचर पर काम कर रही है। अब कंपनी ने ये अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है। फिलहाल स्टोरी फीचर उन लोगों को मिल रहा है जिन्होंने टेलीग्राम प्रीमियम मेंबरशिप ली होगी, यानी फ्री यूजर्स के लिए अब ये फीचर नहीं आया है। टेलीग्राम में मिलने वाली स्टोरी फीचर की खास बात यह है कि इसमें आप स्टोरी को 6 बार 24 और 48 घंटे के लिए सेट कर सकते हैं। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केवल 24 घंटे तक स्टोरी शेयर करने का ऑप्शन देते हैं, लेकिन टेलीग्राम में आपको ज्यादा समय मिलेगा। टेलीग्राम में मिलने वाले स्टोरी फीचर के तहत आप हर स्टोरी के लिए अलग अलग कॉन्टेक्ट लिस्ट सेट कर सकते हैं। यानी अगर आप एक स्टोरी अपने क्लोज फ्रेंड को दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आप उन्हें लिस्ट में चुन सकते हैं। दूसरे स्टोरी में आप सभी को चुन सकते हैं। तीसरे में आप फिर किन्हीं और लोगों को चुन सकते हैं। इस फीचर में एक और कैच ये है कि आपको स्टोरी देख कोई भी सकता है, लेकिन स्टोरी वही पोस्ट कर पाएंगे जिसने प्रीमियम प्लान खरीदा होगा। सीबीएसई 10वीं 12वीं में सभी पार्ट से आएंगे सवाल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वालों के लिए अहम खबर आई है। बता दें कि अब वर्ष 2024 में होने वाले 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों को हर चैप्टर पढ़ना होगा, क्योंकि अब सभी पार्ट से सवाल आएंगे। दरअसल बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं की परीक्षा से पहले ब्लूप्रिंट जारी नहीं किया जाएगा। इसकी जानकारी बोर्ड के द्वारा सभी स्कूलों को दे दी गई है, क्योंकि स्कूलों में शिक्षकों के द्वारा भी केवल उन टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है जो ब्लूप्रिंट में शामिल होते हैं और छात्रों को भी ब्लूप्रिंट का इंतजार होता है। बता दें कि बोर्ड का कहना है कि यह बदलाव छात्रों के हित में लिया गया है, क्योंकि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सारे चैप्टर को पढ़ना जरूरी होता है। मालूम हो कि ब्लूप्रिंट जारी करने का सिस्टम बोर्ड की ओर से वर्ष 2011 में शुरू किया गया था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर दें। हमारा पहला सवाल है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जुलाई, ऑप्शन बी 21 जुलाई, ऑप्शन सी 22 जुलाई, ऑप्शन डी 23 जुलाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 20 जुलाई। अगला सवाल, हाल में ही भाजपा के केंद्र सरकार के विरुद्ध विपक्षी दलों ने जो गठबंधन बनाया है उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए INDIA, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी हिंदुस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए INDIA। अगला सवाल, किस देश ने अभी हाल में ही भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमेरिका। अगला सवाल, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम चंपारण किसने बुलाया था? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिन्हा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल। अगला सवाल, किस किसान आंदोलन में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भाग लिया था? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन सी नील विद्रोह, ऑप्शन डी पावना विद्रोह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है प्रमोद राम, कमलेश शर्मा, मुट्टू रंगीला, नशीम अख्तर, गोनर शर्मा, रवि कुमार राम, मनीष कुमार, राजकिशोर महतो, सुनील ऋषिदेव, मृत्युंजय कुमार, सुरेश ओरम, आयुष राज, अतीक खान, मुन्नी कुशवाहा, पंकज कुमार दास, बिट्टू सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के दौरान सरकार की ओर से दिए जाने वाले सहायता से आप संतुष्ट हैं या नहीं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।